subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर बंद हुआ है 59,276 पे, लगभग 900 रुपए गेन के साथ। और हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस मंथ हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 1.5% ऊपर, लगभग 900 रुपए गेन के साथ। तो यहाँ लॉन्गर टर्म चार्ट पे एक बॉटम आउट पैटर्न दिख रहा है। ओवरसोल्ड रीजन से अभी सिल्वर जो है तो वो बाउंस बैक कर रहा है। और यहाँ जो है तो आने वाले समय में हमें जो है तो ऊपर के टारगेट सिल्वर दिखा सकता है। तो यहाँ 64 और उसके बाद में 72,000 के टारगेट जो है तो आने वाले महीनों में सिल्वर बिल्कुल दिखा सकता है। तो यहाँ स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स। और नीचे जो सपोर्ट जोन है वो मेजर सपोर्ट जोन है 55,000 के अराउंड। तो मंथली चार्ट पे रिकवरी पैटर्न्स है। और यहाँ जो स्ट्रैटेजी रहेगी लॉन्ग टर्म में वो रहेगी बाय ऑन डिप्स। जो मेरा टारगेट था 55,000 का वो अचीव हो चुका है अभी यहाँ से जो है। तो जैसे मैंने कहा था रिवर्सल के टाइम में, तो हमने लगभग 60,000 के टारगेट जो है तो इसी हफ्ते आते हुए देखे। आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में और महीनों में 64,000 के भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, 64-65 के। और उसके बाद में जो है तो उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 72 के भी टारगेट आपको सिल्वर दिखा सकता है। तो अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इस हफ्ते हम गेन के साथ बंद हुए, लगभग 3.3% गेन के साथ, लगभग 2,000 रुपये की रैली हमने सिल्वर में आते हुए देखी। यहाँ लास्ट हफ्ते जो है तो लास्ट हफ्ते में हमने 1,000 रुपीज़ का लॉस देखा था और लगभग 2% नीचे बंद हुआ था। तो एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जो है तो रिकवरी बाइंग आ रही है सिल्वर में। और यहाँ जो है तो सिल्वर ने जो 200 डेज का 200 वीक का जो एवरेज हुआ सपोर्ट लेने के बाद अभी बाउंस बैक कर रहा है। एज़ पर वीकली चार्ट अभी जो इमीडिएट टारगेट लगता है मुझे वो 61,200 का है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम 65 तक भी जा सकते हैं। तो एज पर वीकली चार्ट जो मीडियम टर्म टारगेट बनते हैं सिल्वर के वो ऊपर की तरफ है। या स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स, टारगेट रहेंगे 61,200 और उसके बाद में 65,000 के भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छे खासे गेन के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ जो है तो हम पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो लगभग आ चुका है 59,500 का। उसके ऊपर जाता है तो 61,000 का जो टारगेट रहेगा और उसके बाद में 62,000 के भी टारगेट जो है तो सिल्वर दिखा सकता है। तो यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स रहेगी। या थोड़ा सा वोलाटाइल रह सकता है ड्यू टू इट्स नेचर, सिल्वर का नेचर जो है तो वोलाटिलिटी वो ज़्यादा रहती है। और यहाँ जो निचले तरफ सपोर्ट है वो 58,000 और उसके बाद में 57,000 के अराउंड सपोर्ट जोन है। तो अगर डिप्स मिलता है आपको सिल्वर में तो इन लेवल के अराउंड आपको लॉन्ग जाना है। पहला टारगेट रहेगा आपका 60,000 का, उसके बाद में 61,000 और उस लास्ट में जो है तो 62,000 के भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिल्वर में। तो यहाँ क्लियर कट लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिकवरी है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो है तो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। जब तक हम 57 के ऊपर है तब तक सिल्वर पे जो है तो आपको बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी यूज करनी है और जो मेजर डिप्स है वो बाय करने हैं। अगर आपने ये डिप बाय किया होता जो 56,600 तक गया था तो उसके दूसरे ही दिन आपको अच्छी खासी रैली मिली थी। तो ऐसे बीच बीच में आपको डिप्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू न्यूज़ फ्लो, वो डिप्स जो है तो आपको बाय करने हैं विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जो टारगेट रहेंगे आपके 60,000-61,000 और उसके बाद में 62,000 के भी टारगेट आपको सिल्वर दिखा सकता है। तो यह बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है ऑन सिल्वर ऑल्सो। हमने गोल्ड में भी देखा तो गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है सिल्वर को, यहाँ अंडर परफॉर्मेंस है तो ये अच्छी बात है। यहाँ जो है तो आपको वैल्यू बाय लेवल मिल रहे हैं सिल्वर में विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन। और यहाँ जो लॉन्ग टर्म ये मेरी जो टारगेट है वो 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए के आने वाले 3 से 5 सालों में। तो अगर आपको मेजर हिस्टोरिकल लेवल के अराउंड सिल्वर मिलता है तो बिल्कुल आपको उसमें एक्युमुलेशन करना है। शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा टारगेट था वो लगभग अचीव हो चुका है 59,500 का। तो यहाँ जो है तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो 61,000 और 62,000 के टारगेट जो है तो अगले हफ्ते हमें देखने को मिल सकते हैं। मगर ये एक बात ध्यान रखनी है, ये वोलाटाइल है तो आपको जो है तो सपोर्ट के अराउंड ही लॉन्ग करना है। और जो भी लॉन्ग पोजीशन लेंगे उसमें जो है तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर से जो है तो वेट एंड वॉच करना है। सपोर्ट के अराउंड आना है आता है तो फिर बाइंग करनी है। तो यहाँ मोस्टली आपको बाइंग के ही मौके ढूंढने हैं सिल्वर में। और जिसके टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे आपके
इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म और ऑल्सो इन लॉन्गर टर्म ऑल्सो। तो 55,000 के अराउंड जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें बधाई, और मुझे लगता है कि आपको जो है तो अच्छे खासे रिटर्न आने वाले 3 से 5 सालों में मिल जाएंगे। जिन्होंने भी 55,000 के अराउंड ETF में इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। आज भी आप जो है तो स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको जो टाइम होराइजन है वो लंबा रखना है और इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। बाकी ट्रेडिंग के लिए तो जो ट्रेडिंग कॉल है उसमें आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा, और यहाँ जो है तो यहाँ रिस्क वोलेटिलिटी की रहती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, वो भी आपको बियर करनी होगी। तो यहाँ मोस्टली हम लॉन्ग के ही ट्रेड ढूंढेंगे, और जैसे हमें ब्रेकआउट दिखेगा हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 61,000-62,000 के आने वाले हफ्तों के लिए हम रखेंगे। बट जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे, यहाँ सेल बिल्कुल नहीं करना है। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपको श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए ऑन व्हाट्सएप विद लाइव मार्केट सपोर्टर फॉलोअप, तो आप जो है तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।